हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करते हैं हमारी इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमआर सपोर्ट ऑटोमेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ एक्सेल की न्यू फॉर्मूला मेक एरे। जी हां, लॉजिकल फॉर्मूले के अंदर में आपका जो नया फॉर्मूला आएगा वो मेक एरे। तो पिछले कुछ वीडियोज में हमने आपके साथ बात की थी लैम्डा के बारे में, हमने बात की थी लेट के बारे में, हमने बात की थी बाई कॉलम के बारे में, बाई रो के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं मेक एरे के बारे में। मेक एरे, हालांकि ये लैम्डा हाइपरनेस फंक्शन होता है, लैम्डा के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका यूज हम लोग करते हैं अपने ऑफिशियल वर्क के लिए। सबसे पहले समझिए कि ये करता क्या है। बेसिकली मेक एरे फॉर्मूला एक एरे क्रिएट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया मेक एरे और मैंने बोला कि 3 रो 2 कॉलम और लैम्डा फंक्शन में हमने बोला r, c और हमने बोल दिया कि r multiply by c। सिंपल सा एक ऐसे हमने यहाँ पर रखा हुआ है। एंटर मारिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे 2 कॉलम आ गए। अगर 2 की जगह पे मैं 3 कॉलम कर देता हूं तो 3 कॉलम आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो ये नंबर क्या दिया? अब नंबर को समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा के और मैं ये कर दे रहा हूं कि इसने क्या किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से, 1 को 3 से, फिर 2 को 1 से, 2 को 3 से। मतलब होता क्या है कि इसके अंदर एक टेबल फॉर्मेट क्रिएट होता है कि यहाँ पे इस तरह से कि एक टेबल फॉर्मेट तैयार हो गया जिसमें 3 कॉलम और सेम हमारा 3 रो है, 3 कॉलम एंड 3 रो। तो इसमें ये आपका रो नंबर 1, 2, 3 हो गया, ये आपका 1, 2, 3 हो गया। तो मैंने क्या किया, आर कोमा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये आपका 2 को 2 से करेगा, 1 को 2 से करेगा, 1 रो तो 1 है ना, तो 1 को 2 से करेगा। और अगर मैंने यहां पे कर दिया 1 को 3, ये आपका 1 को 3, और फिर ये रो चेंज होगा तो हो जाएगा 2 multiply by 1 और ये हो जाएगा 2 multiply by 4। तो ये तो हम 2 multiply 2 हो गया, 4 हो जाएगा, ऐसे 3, 4 करते चला जाएगा। तो ये तो हमने समझा कि आखिर फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है, फंक्शन को हम काम कैसे करवा रहे हैं। अब बात आती है कि इसका बेनिफिट क्या है। इसके कई सारे बेनिफिट है, हम चलिए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, इसे नेम लिख दिए और नहीं सिटी लिख दिए और अमाउंट लिख दिए। मान लीजिए सिंपल सा हमने यहाँ पे किया हुआ, तो हमने पूजा देके और नीचे तक हमने अमाउंट लेके चले जाते हैं। 20 तक फिलहाल मैं लेके जा रहा हूँ, छोटा है इसलिए। और यहाँ पे रैन बिटवीन हम यहाँ दे देते हैं नंबर, रैन बिटवीन रैंडम नंबर लाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब क्यूसी जो क्रॉस चेक करते थे ना, जब हम लोग क्रॉस चेक करते थे डेटा को, होता क्या था कि हमारे पास कोई डेटा आता था तो हमें रैंडमली चेक करना होता था कि डेटा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो चेक जो है एक आदमी ने 3 आदमी करता था। तो हमें जो असाइनमेंट करनी होती थी उसी हिसाब से करनी होती थी कि यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न ना हो। मान लीजिए मेरे पास मेरे 3 क्यूसी डिपार्टमेंट के लोग हैं कि पूजा, देव एंड रवि, 3 लोग हैं। अब मुझे यहाँ पे इन 3 का नाम देना है। तो अगर आपने यहाँ पे ये 3 का नाम अगर लुकअप कर दिया या कॉपी पेस्ट कर दिया तो एक सिक्वेंस में हो जाएगा, पहले चीज सिक्वेंस में हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमें चाहिए कि भाई कहीं भी कुछ भी हो सकता है, पूजा कहीं भी रख दो, देव कहीं भी रख दो, पैटर्न नहीं होना। जैसे यहाँ नंबर हमने लिया तो नंबर कोई पैटर्न नहीं है, ऐसे में यहाँ पे पैटर्न चाहता हूं कि 3 का नाम असाइन हो जाए ताकि वो 3 इसकी सेल्स को क्यूसी कर सके। तो इसके लिए हम जो है मेक एरे फॉर्मूला, लैम्डा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा चूज फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। चूज जिसमें हम रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाते हैं 1, 3, क्योंकि 3 नाम है से 3 दे दिए, और फिर यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में हम दे देते हैं पूजा
देव एंड रवि, रवि, और इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देंगे तो हर किसी को एक रैंडम नंबर दे देगा, किसी का कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि रैन बिटवीन जो है 1 से 3 वैल्यू दे रही है। इसमें से अगर मान लीजिए कभी 1 आया तो पूजा आया, कभी 2 आया तो देव आ जाएगा, कभी 3 आया तो रवि आ जाएगा। इसका कोई पैटर्न नहीं है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि डेटा हमारा ऐड होते रहता है। जैसे कि यहां पे हमने लिख दिया मोहन, मोहन, अब मोहन की वैल्यू हमने यहां पे डाल दी, सॉरी उदयपुर डाल दिए, फिर माफ कीजिए नाम डाल दिए उदयपुर। अब फिर वापस हमें फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा। अब ये ड्रैगिंग वाला पार्ट थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि नहीं नहीं हमें ड्रैग नहीं करना है, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली मेरा फाइल लिंक हो जाए। तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला जो हमने लगाया है यहां पे हम ड्रैग नहीं करेंगे, हम इसको मेक एरे फॉर्मूला में लगा देंगे। कि मेक एरे, यहां पे हमने बोला कि रो कितना है, तो रो के लिए हम यहाँ पे काउंट ए का फॉर्मूला लेते हैं। हमें सिटी नहीं, हेडिंग नहीं चाहिए, इसलिए मैं -1 कर दूंगा, कॉलन 1 होगा, और फिर मैं इसी के अंदर लैम्डा फॉर्मूले जिसमें हम आर कोमा सी कर देंगे, और ये बाकी हम यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं। आ गया। अब जैसे मैं यहां पे डालूंगा, मान लीजिए मैं यहां पे डाला हाजीपुर, हाजीपुर बिहार का एक सिटी है, हाजीपुर डालते हैं, आप देखिए ऑटोमेटिकली यहां पे फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। यहां पे अगर कानपुर डालते हैं, एंटर मारेंगे, ऑटोमेटिक आएगा। तो मुझे बार बार ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप नीचे आ जाएगा। मैं कह रहे हैं इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं और हम एग्जांपल्स की वीडियोज अपलोड करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको सबकी वीडियो सिक्वेंस में चाहिए तो आप मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे सर्च करें एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। जी हाँ, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, इसको डाउनलोड करें, इसमें सारे सीक्वेंस के वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आप वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, आईपीटी इंडिया, जहां पे हमारी लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, उसका भी यूज आप कर सकते हैं। थैंक यू।